खरगोन जिले में गुरु नानक जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें सिख समाज द्वारा गुरुद्वारा साहेब प्रबंधन कमेटी द्वारा गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें परंपरागत रूप से समाज ने सहभागिता निभाई और प्रकाश पर्व को यादगार लम्हा बना दिया। इस दौरान प्राप्त जानकारी में बताया गया कि अखंड पाठ साहेब के साथ कीर्तन और आरती की गई, वहीं लंगर का आयोजन भी हुआ, जिसमें सिख समाज सहित सभी धर्म प्रेमी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेवा प्रसादी ग्रहण करने गुरुदेव जी का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व है और अवसर पर मैं सबसे पहले सभी संगत को, सभी श्रद्धालुओं को बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर हमारे द्वारा मांग रखी गई थी कि जो खरगोन नगर का मुख्य चौराहा है, पोस्ट ऑफिस चौराहे के नाम से, उसे आज इस पर्व के अवसर पर गुरु नानक देव जी के नाम से रखा जाए। और शासन ने हमारी मांग को मानते हुए गुरु नानक देव चौराहे के नाम से इसको नामांकन किया गया है। मैं इसके लिए शासन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में गुरु नानक देव जी ने हमेशा सद्भाव, समभाव और समानता की बात कही है। उन्होंने हमेशा ही एक ही बात है, पूरे धर्म को जोड़ के रखा है। उन्होंने मानवता का संदेश दिया है और इसी संदेश को ध्यान में रखते सिख समाज हमेशा मानवता को लेकर ही सभी साथियों को आगे लेके उच्च नीच की भावनाओं को, बिना भावना को, भेदभाव के, वो सबको साथ में लेके चलता है। एक बार मैं पुनः सभी साथियों को, संगत को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत बधाइयां। सम्मान वगैरह भी हुआ है, सम्मान वगैरह भी हुआ है आज इस अवसर पर, सम्मान भी हुआ है। जिन साथियों ने खरगोन में यहाँ पे आज नया गुरुद्वारा हॉल का उद्घाटन हुआ है इस 550वें प्रकाश पर्व पर, और इसमें जिन्होंने भी सहयोग किया उन सभी श्रद्धालुओं का, दया और दानदाताओं का भी सम्मान किया गया है, जिन्होंने इस हाल में तन मन धन से अपनी सहायता दी, उन सभी का भी सम्मान किया गया। ये इस खरगोन सिख समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज एक बहुत अच्छा हॉल, बड़ा हॉल बनाया गया है, देखे कि सर्व सुविधा युक्त हॉल बन गया है। इसके लिए मैं सभी समाज के सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।